तो बाकी इतनी लंबी लाइन है कि आप देख सकते हो भाई, पीछे बोल रहे कि भैया आप जा कहाँ रहे हो, ये देख सकते हो भाई आप, ये बोल रहे भैया आप कहाँ जा रहे हो, ये देख सकते हो भैया यहाँ जा रहे आगे मंदिर में। तो भाई बहुत लोगों ने बात करके भाई उस तरीके से आप देख सकते हो भाई, सामने देख सकते हो भैया आप। नहीं नहीं क्यों है भाई जी, कितने का एक है? 10 रुपए का। तो भाई देख सकते हो 10 रुपए का एक छेद। ये देख सकते हो टीम रू का भाई, टीम रू ये को टिकट भाई जी भाई सुन क्या बेच रहे हो भाई जी? आलू खुमानी है भाई जी, तो भाई देख सकते हो आओ आप कुछ इस प्रकार से काम चल रहा है भाई यहाँ पे देख सकते हो। भीम पत्तों का ये भीम होता ना, भीम जो उसमें रहता है राम जिला में, भीम राम जिला में ना भीम है जी। बाकी देख सकते हो भाई कुछ इस तरीके से सीन यहाँ पे मस्त तरीके से आप देख सकते हो, कुछ आंटियाँ आ रही घूमने के टोपी टोपी पहन के मस्त तरीके से सिस्टम हो रहा, धूप बहुत तगड़ी थी, धूप है ठीक है यार, बढ़िया ना, बढ़िया सही चल रहा काम नाम चल रहा है। अच्छा जी 20 रुपए किसके नीचे गिरे हुए हैं? कहाँ यहाँ पे मतलब भीड़ डबल हुई, लाइन लगी सीधी लाइन लगी बनवा थी। तो भाई बहुत लोगों ने बात करके भाई मस्त तरीके से आप देख सकते हो भाई सामने देख सकते हो भाई, आप होटल खुला हो मस्त तरीके से, ये देखो ये भाई रोजगार के लिए बैठा अपने यहाँ पे, ऐसे दुकान अपने को चाहिए कहीं मस्त तरीके से, ये देखो भाई। अरे बोला तो सही, नहीं नहीं कोई निकाल दो, 10 वाला ही दो, याद करेगा तो बोल। तो तेरे कितना है क्यों? अरे जी कितने का है क्यों? 10 रुपए का। तो भाई देख सकते हो 10 रुपए का एक छोटा है भाई, ये अगर कटवा छोटा 10 रुपए का एक भाई, ये देख सकते हो 10 रुपए का एक गिरा है। ये देख सकते टीम रू का भाई, टीम रू ये टिकट भाई जी, ये दो यार क्यों ऐसे करते हो यार, आज लोगों को मजा काम मस्त तरीके से, और वीडियो नहीं हम ऐसे शूट करने के लिए आ रहे, हल्का फुल्का बात आप देख सकते हो भाई, बहुत अच्छी तरीके से दुकान खुली है मस्त तरीके से, और भाई बहुत कर रहे हैं भाई। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि उत्तराखंड में देख सकते हो भाई चीड़ के बेड़े की ये भी बिक रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बाकी आगे जाके देखता हूँ मैं आगे और दुकानों पे बात करता हूँ। तो यहाँ पे एक आंटी आंटी से बात करता हूँ, तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग चैनल में, देख सकते हो भाई आप आगे आंटी क्या बोलती है। 10 रुपए को, तो भाई 10 रुपए का देख सकते हो ये चीड़ का पेड़ का छेती है, छेती आओ देखो ये 10 रुपए को भाई, यो ये आंटी लोग बेच रहे हैं, आंटी मिल डाले होटल करने के किराए पर। तो भाई देख सकते हो भाई कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाई होटल मिल रहा किराए पर चलाने के लिए, और 10 रुपए का भाई छेती बेच रहे हैं मस्त तरीके से। तो भाई 10 रुपए का छेती बेच रहे हैं, हम भी देखते हैं भाई यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ हमको रोजगार मिल जाए भाई मस्त तरीके से उत्तराखंड में रोजगार। बाकी आप देख सकते हो जिस प्रकार से भाई यहाँ पे लोग आ रखे हैं घूमने के लिए मस्त तरीके से, देख सकते हो सामने, और मैं भी आ रहा हूँ घूमने के लिए नहीं जगह देखने के लिए आ रहा हूँ भाई, मैं उत्तराखंड में कैसी जगह होती है मतलब। तो भाई यहाँ पे शिव मंदिर के पास में भाई कुछ इस प्रकार से काम चलता है उत्तराखंड के अंदर भाई, ये जगह खुली है मतलब मस्त तरीके से जगह खुली है, आप ट्रैवल की बस देख सकते हो भाई, तो ये बस यूपी की है, यूपी है भाई सर उत्तराखंड की बस है ये भी, पर ये एक ट्रैवल भाई ये कहीं घूम सकते हो। बाकी यहाँ पे ग्रेड ही खुली हुई मस्त तरीके से आप देख सकते हो भाई सीन, क्या बेच रहे हो भाई जी? आलू खुमानी है भाई जी, तो भाई देख सकते हो आओ आर ओ छो खुमानी बोलते हैं ना वो, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा भाई जी के पास देख सकते हो मस्त तरीके से। हाँ भाई जी ये देख सकते हो भाई जी ने नारियल ला रखा, और ये भाई ककड़ी ला रखी है, यहाँ पानी नमक पीसा जाता है और स्लो टाइप और सब कुछ मिला जाता है भाई यहाँ पे ककड़ी के साथ, तो कुछ इस प्रकार से काम चल रहा है भाई यहाँ पे देख सकते हो। भीम जूस नहीं दिखा यार तुम, तो भीम जूस
ये भीम जूस है, भीम पत्तों का ये है। ये देख सकते भीम जूस भैया का, भीम जूस देख तो भाई यहाँ पे भीम जूस बेच रहा है भाई। जूस पी लिया तो भीम की जैसे ताकत आ जाएगी सीधे भाई। जैसे भीम होता ना, भीम जो कोई उसमें रहता है राम जिला में, भीम राम जिला मानो ना, भीम है जी महाभारत में भाई, महाभारत में जो भीम रहता है भाई, जो उसका जूस बेच रहे हैं भाई, देख सकते हो भीम जूस इस प्रकार से भाई, भीम पत्तों का, भीम पत्तों का भाई जी बेच रहे हैं भाई, मस्त तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पहाड़ी नींबू है भाई जी, ये देख सकते हो भाई, इसको दिखाने के लिए उत्तराखंड अपने चिन्याल शोर से भाई इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं, मस्त तरीके से देख सकते हो भाई, दिखाने की पहाड़ी नींबू का स्वाद क्या होता है, ये पहाड़ी नींबू है भाई। और कुछ इस प्रकार से भाई यहाँ पे जगह है और यहाँ पे मस्त तरीके से काम चलता है भाई सीजन के टाइम पे। जैसे केदारनाथ जाते हो आप, केदारनाथ में 6 महीने काम चलता है, अपने उत्तराखंड भाई गंगोत्री साइड में भी 6 महीने काम चलता, तो कुछ इस प्रकार से काम चलता है भाई यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो लोग यात्रा करने के लिए आ रहे हैं मस्त तरीके से, हम बिहार के भाई घूमने के लिए, आगे जाके दिखाते हैं आपको आगे जाके क्या सीन बनता है और क्या सिस्टम है, देख सकते हो कुछ इस तरह से रेडी खुली है भाई यहाँ पे। अरे कल क्या बेच रहे हो? आरू तो भाई देख सकते हैं आरू, और आपको यही चीज मिलेंगे भाई जो पाली जो पहाड़ों में होता है भाई, अभी फल फ्रूट आरू हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा, खाली अमरूद छोड़ के भाई, क्योंकि अमरूद इस टाइम पे होते नहीं है, बाकी आपको आरू और सब कुछ मिल जाएगा। और देख सकते हैं भाई मैं आ रहा हूँ घर से घूमने के लिए, इतने दूर घर वालों को मतलब बोर के कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते भाई ट्रैवल बस जा रही है जो मतलब यात्रा सीजन की बस होती है भाई, यहाँ पे जा रही है यात्रा सीजन की बस, और कुछ इस प्रकार से दुकान खुली भाई यहाँ पे, ये देख सकते हो मस्त तरीके से दुकान खुली भाई यहाँ पे, ये देख सकते भाई सिर्फ हेलिक हेली वो है यहाँ पे, मतलब हेली किट कुट जो भी आप ले सकते हो, मतलब एनर्जी ड्रिंक जो बोलते हैं, ठीक है। बाकी देख सकते हो भाई कुछ इस तरीके से सीन यहाँ पे, मस्त तरीके से आप देख सकते हो कुछ अंटियाँ आ के घूमने के, टोपी टोपी पहन के मस्त तरीके से सिस्टम हो रहा, धूप बहुत तगड़ी थी, धूप है आप देख सकते हो भाई कुछ इस तरीके से मौसम। बाकी आगे से आ रही है गाड़ियाँ, कुछ भाई होटल तकड़े से तकड़े होटल खुले भाई, जगह नहीं मिल रही भाई रहने के लिए, देख सकते हो मस्त तरीके से भाई, और काफ़ी तकड़ा जंगल है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भाई सिस्टम बहुत गंदी तरीके से है, काफ़ी तेज़ प्रदर्शन, बहुत ही ज़्यादा धूप है, और सामने देख सकते हो आंटी को बिल्कुल ब्लैक कपड़ों में खड़ी आंटी, में एकदम से पीछे से दिखाता हूँ भाई आंटी को, देख सकते हो मस्त तरीके से कुछ इस प्रकार से हिलता डोलते हुए लोग चलते हैं मस्त तरीके से रोड पे, आप देख सकते हो भाई कुछ इस तरीके से सीन चलते हैं शिव गुफा में, और मिलते हैं आपको ऊपर थोड़ा, देख सकते हो ये शिव गुफा चलते हैं, और थोड़ा अरे भाई क्या बेच रहा है आप, कहाँ पे हो? तो भाई देख सकते हो आज उत्तराखंड के अंदर भाई ये है शिव गुफा, जहाँ पे मतलब मस्त तरीके से सीन भाई घूमने घूमने का आपको दिखाएंगे। और अंकल जी क्या हो रहा है, क्या बेच रहे हो? चा, धन्यवाद। तो भाई देख सकते हो इस प्रकार से सीन भाई मस्त तरीके से, और बाकी हमारे के भाई हमारे के उत्तराखंड के अंदर भाई एक छोटी जगह पर थी घूमने के, शिव गुफा बोलते हैं भाई, वहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं बहुत दिनों बाद हम, क्योंकि आप जॉब जॉब पे जा रहे थोड़ा बहुत घूम लेते हैं भाई, तो यहाँ पे शिव गुफा भाई यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं मस्त तरीके से, आप देख सकते हो भाई कुछ इस प्रकार से। वो देख सकते हो भाई नगर पालिका के सोलर की प्लेट की लाइट यहाँ पे लगी हुई है मस्त तरीके से आप देख सकते हो। और बाकी भाई यहाँ पे मतलब थोड़ा पैदल चलने के लिए ट्रैक थोड़ा है, बाकी आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो भाई आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद हमको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दिखी है जिसको बोलते हैं रैन बसेरा भाई, अगर कोई आदमी पैदल आते तो इसके अंदर भी रुक सकता है मस्त तरीके से, आप देख सकते हो रैन बसेरा बना हुआ यहाँ पे। और बाकी भाई यहाँ से रास्ता ऊपर चढ़ने का सीन ये कुछ इस प्रकार से पैदल जाने का भाई, मतलब जो आप अगर रोड पे भी आते हो तो रोड से थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ता है, कम से कम नहीं हो तो 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता भाई, आना मत भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। अरे अंकल जी चलो ऊपर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? आ रहे हैं, हो गए बाबा। ठीक, तो देख सकते भाई कई लोग दर्शन करके नीचे भी आ चुके हैं, लेकिन हम दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, बहुत दूर से पैदल आ चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है कुछ, चिन्हाल छोड़े बस, यहाँ पे बंदे आ रहे हैं आराम से मस्त तरीके से घूम रहे घूमते, देखते भाई भाई एक वीडियो बनाने के लिए इतना दूर आना पड़ रहा है भाई, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का ट्रैक है भाई, ये रोड से भाई देख सकते हो मस्त तरीके से नीचे से भाई, शिव जी रहते पार्वती रहते, तो देख सकते हो भाई आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, अभी थोड़ा बहुत पैदल चलने के लिए और बचा हुआ है, बाकी यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भाई यहाँ दर्शन करने के लिए, मतलब बोले तो पहाड़ों में घूमने के लिए, क्योंकि भाई अभी नीचे आपको पता ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हो मस्त तरीके से इनको भी मस्त तरीके से, यहाँ पे एक बार छोटा सा पेड़ है। अरे हमारे बाबा बरसानी। अरे भाई जी क्या हाल है, क्या कर रहे हो?
बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं मस्त तरीके से यहाँ है। क्या हो रहा कौन हम? ठीक है यार, बढ़िया ना? बढ़िया है, सही चल रहा काम नाम चल रहे है। अच्छा जी, 20 रुपए किसके नीचे गिरे हुए हैं? यहाँ पे वो देखो, तो देख सकते हो भाई, भाई 20 रुपए ढूंढ रहा है। रहने दो, फिर कोई बात नहीं, बाद में उठा लेना, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हो भाई, कुछ इस तरीके से सीन है, ठंडा बहुत है। और बाकी अभी लोग आ ही रहे हैं, हम भी बैठे हैं, हम भी बैठे हुए भाई उत्तराखंड के अंदर। भाई एक छोटी सी जगह है जिसको बोलते हैं भाई क्या शिव गुफा। बाकी हम यहाँ घूमने के लिए आ रखे हैं, और मस्त तरीके से आप भी देख सकते हो भाई यहाँ का दर्शन, मतलब यहाँ का सीन भी देख सकते हो आप। गर्मियों में भाई कुछ ऐसी जगह है जहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है, और ठंडे ठंडा मतलब वातावरण है यहाँ का, देख सकते हो भाई यहाँ का वातावरण कुछ इस प्रकार से। भाई पेड़ पूड़ है बहुत गंदे तरीके से, और हर कोई लेके जाते हैं, हर कोई मतलब घूमने के लिए आ रहा है यहाँ पे। हम भी चलते भाई, वो दिखाते हैं आपको आगे का सीन, आगे क्या सीन बनता है। बहुत ज्यादा भीड़ हुई, मतलब भीड़ लगा लो, लाइन लगी सीधी, लाइन लगी बोलो, मत वापस लेके उड़ेंगे वो दो मतलब लाइन लगी, आओ आज आ जाओ तेरे साथ थोड़े घूमने के लिए सिर दिखो बा, कोई नहीं आ जाएगा नंबर, कोई बात नहीं, बस वाले रुकेगा भाई। हाँ सही बात है, तो देख सकते हो भाई बहुत गंदी तरीके से भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं मस्त तरीके से, देख सकते हो भाई यहाँ पे ये भी स्वागत कर रहे किसी किसी चीज़ का, बाकी ऊपर भीड़ लगी गंदी तरीके से। तो भाई आप वापस चलते हैं, वापस जाके दिखाते हैं आपको क्या सीन है भाई, उस तरीके से आप देख सकते हो इस प्रकार से भी देख सकते हो बहुत गंदी तरीके से भीड़ लगी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं भाई, टाइम नहीं मिल रहा, बहुत ऊपर से भयंकर भीड़ लगी हुई लाइन से, आप देख सकते हो भाई ये भी लोग लाइन पर लगेंगे ऊपर जाके जो जा रहे हैं। हम भी बैठे हैं भाई दर्शन करने के लिए, हम भी लाइन पर खड़े होंगे, बट हम थोड़ी देर छाए पर रुके भाई यहाँ पे मस्त तरीके से। अब हमें भी देख सकते हो बहुत गंदी तरीके से हालत हो चुकी है, कम से कम 400 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं आने के लिए, बहुत गंदे तरीके से भाई। यहाँ पे देख सकते हो लोग पैदल चल रहे हैं भाई, लोगों ने पानी की बोतल हाथ पे पकड़ी हुई भाई, तो हम बहुत पैदल है भाई, 300-400 किलोमीटर दूर पैदल है, हम भी पैदल ही आ रहे हैं भाई, देख सकते हो। गलती करना बाद आप उत्तराखंड के अंदर मत आना भाई, जितना दूर भाई केदारनाथ नहीं पड़ेगा आपको, जितना दूर यहाँ आपको यहाँ पड़ेगा शिव गुफा, और बाकी यहाँ लाइन लगानी पड़ेगी, केदारनाथ में भाई इतनी लाइन लगानी नहीं पड़ती है, देख सकते हो मस्त तरीके से, हमको भाई यहाँ लाइन लगानी पड़ रही है। देखो बंदे बैठे हैं ऊपर भी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई, क्योंकि आ रहे लोग जा रहे हैं लोग, देख सकते हो भाई मस्त तरीके से। ये देखो भाई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं भाई, भयंकर लाइन लगी भाई, भयंकर लाइन। बाकी आधा घंटा हो चुका है भाई वेट करते करते, देखो भाई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कम से कम आधा घंटा हो गया भाई वेट करते करते, लेकिन हम अभी तक हमारी बारी नहीं आई है, और अभी तक लोग यहाँ बैठे हुए भाई, देख सकते हो भाई आप। भाई हमने स्टार्ट कर दिया चलना मस्त तरीके से, हम चल रहे भाई, आप दिखाते हैं आपको शिव गुफा भाई, शिव गुफा मतलब उत्तराखंड में भाई एक छोटी जगह है शिव गुफा, मैंने पहले बोला था आपको दिखाएंगे शिव गुफा भाई कहाँ है, और उस शिव गुफा देखने के लिए मैं कितनी भीड़ होती है मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, इसीलिए भाई मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड के अंदर आपको दिखाने के लिए, वो शिव गुफा आपको दिखाएंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे, देख सकते हो आप मस्त तरीके से भाई। ये देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको यहीं पर भाई जी मिल जाएंगे जो कि इनकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे, और बाकी आगे का सीन भाई ये देख सकते हो आप, ये देख लो भाई, ये भाई लाइन लगी हुई है, और आपने दर्शन करना है तो लाइन लगा हुआ है आप यहाँ पे भी। ये लगाओ भाई लाइन यहाँ दर्शन करने के लिए, भैया जा नहीं रहे कहीं पर, वीडियो बना रहे हैं वापस आ रहे हैं, नहीं तो इसे बना लो भैया, एक जना वीडियो बना लो वापस। ये देख सकते हो भाई यहाँ लाइन लगी हुई है मस्त तरीके से, ये देख सकते हो यहाँ पर मंदिर आपको दिख रहा है भाई यहाँ पे, अगर ऊपर दर्शन करना है तो इनके पीछे लाइन भी लगाना पड़ेगा भाई यहाँ मस्त तरीके से, आप देख सकते हो भाई कुछ, और बाकी इतनी लंबी लाइन है कि आप देख सकते हो भाई पीछे बोल रहे कि भैया आप जा कहाँ रहे हो ये देख सकते हो भाई आप, ये बोले भैया आप कहाँ जा रहे हो, ये देख सकते हो भाई भैया यहाँ जा रहे आगे मंदिर में ये देखो भाई। तो भाई आपने शिव गुफा की आधा वीडियो देख ली है, और आधा वीडियो देखने के लिए भाई तो प्लीज यार कल जरूर देखना, मतलब पूरी वीडियो कल आएगी भाई, अब ज्यादा 26-27 मिनट की वीडियो हो रही तो पूरी डाल नहीं सकता हूँ। तो भाई अगर आपको उत्तरकाशी के अंदर मतलब जो छोटी सी जगह पड़ती है यहाँ ब्रह्मखाल, ब्रह्मखाल से आगे शिव गुफा पड़ती है भाई, तो हम पहले लाइव में मैं कभी गया नहीं लेकिन कल ही गया भाई, तो इतनी भीड़ थी वहाँ पे, वो आपने वीडियो देख ली होगी, लेकिन आधा ही वीडियो देखा आपने, पूरी वीडियो देखने के लिए भाई कल अपने चैनल पे आके
पूरी वीडियो देखना और चैनल सब्सक्राइब करके जाना भाई। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने दोस्तों को बोलना कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में पार्ट टू में। तो आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।